नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल बिस्टेक न्यूज के अंदर। और आज जिस टॉपिक को लेके हम आपके साथ अभी बात करने के लिए आए हैं वो टॉपिक रहेगा ऑनलाइन गेम्स। लास्ट ईयर चाइना के साथ कुछ विवाद के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स उठाए और बहुत सारी चाइनीज ऐप्स जो हैं उसको बैन कर दिया इंडिया के अंदर। उसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध गेमिंग ऐप भी थी पबजी करके, पबजी को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन करा इंडियन टेरिटरी के अंदर। और इस तरह से कुछ और गेमिंग ऐप्स भी थी चाइनीज ऐप्स जिसको कि बैन करा इंडियन गवर्नमेंट ने। अभी हाल के दिनों में एक स्टडी हुआ और उस स्टडी में पाया गया कि एग्जैक्टली इंडिया के अंदर जो है 98% जो गेम्स बच्चे खेल रहे हैं वो सारे के सारे विदेशी गेम्स हैं। जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ प्रमोट करते हैं वो फाइटिंग के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस रहता है उस गेम्स के अंदर। कुछ अलग तरह के कंटेंट्स और वैल्यूज को जनरेट कर रहे हैं इंडिया के बच्चों के अंदर, और जो कि हमारे शायद कल्चर से उतना वो सिमिलर तरीके से मेल नहीं खाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने जा रही है और वो इसी साल जुलाई या अगस्त तक अपना काम करना शुरू कर देगा। उसकी स्थापना जो है सबसे पहले बॉम्बे में करी जाएगी और उसके बाद सभी राज्यों को उसके साथ कनेक्ट करा जाएगा। और इस सेंटर नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस का जो पूरा का पूरा दारोमदार है सिर्फ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ऊपर ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या योजना है और किस तरीके से और किन किन खूबियों के साथ भारत सरकार इसको लेके आ रही है। दोस्तों, अभी ऑनलाइन गेम्स के अंदर जो है विदेशी सोच बच्चों में डेवलप होती चली जा रही है और मानसिकता आ रही है। भावनाओं को सही स्किल्स को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने एक कमिटी का गठन करा और उस कमिटी के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर पराग मणिकर करके हैं। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उन्होंने AVGC का एक संकल्प जो है, एक ब्लूप्रिंट जो है वो भारत सरकार के समक्ष रखा है। AVGC का सबसे पहले हम अर्थ आपको बता दें। AVGC के से रहेगा फर्स्ट, A से रहेगा एनिमेशन, B से रहेगा विजुअल, G से रहेगा गेमिंग और C से रहेगा कॉमिक्स। इन सभी सेक्शंस को जोड़कर कुछ एक नए किस्म के जो है हम लोग सूचना प्रसारण मंत्रालय गेम्स डेवलप करेंगे। वो गेम्स हमारे जो देश के युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर एक उनको गेमिंग का जो उनका जुनून है उसको तो डेफिनेटली पूरा करें। गेम्स रहेंगे वो रामायण के ऊपर वो गेम्स रहेंगे, वो शिवाजी के कैरेक्टर के ऊपर गेम रहेंगे, वो झांसी की रानी उसके अंदर लीडिंग कैरेक्टर्स होंगी और उसके अंदर बहुत अच्छे जो कैरेक्टर्स रहे हैं हमारे पास महापुरुष हैं जो हमारे उनके ऊपर वो सारे गेम्स फोकस करके बनाए जाएंगे। और आशा है इस तरह के गेम्स डेफिनेटली हमारे देश को एक नई राह, एक नई दिशा देने में ज़रूर कामयाब होंगी। इसके साथ ही जो है विदेशी जो गेम्स हैं उनका जो कारोबार है वो दोस्तों करीब 14.6 लाख करोड़ का उनका कारोबार है। बहुत बड़ा ये एक कारोबार है, बहुत बड़ा बिजनेस मॉड्यूल है जो कि गेमिंग इंडस्ट्री है। वो दिन पर दिन बड़ी होती चली जा रही है पूरी दुनिया में। ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे टाइम अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें सर्च कर रहे हैं, ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं। इस तंत्र की जो कहानियाँ हैं उनको भी एक साकार रूप में उतारने की कोशिश जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाएगी अपने AVGC मॉडल के माध्यम से। और इसके अंदर जो मेन रहेगा वो ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण की कोशिश वो करेंगे अपने इस मॉड्यूल के थ्रू। वो इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की संभावनाओं को भी तलाशेंगे और इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात भी उन्होंने करी है। और इसके साथ स्टार्टअप्स को भी वो किस तरीके से प्रमोट कर सकें या कुछ नए कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट हो सकें गेम्स के साथ साथ ही, कुछ इस चीज़ों के ऊपर भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस रहेगा। जो पॉजिटिविटी मार्केट है इस कोरोना काल के अंदर, डेफिनेटली पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा तीव्रता से उसमें ग्रोथ देखी गई है। और तो ये बहुत बड़ा मार्केट है और डेफिनेटली भारत को विश्व गुरु बनना है तो इस जो मार्केट है वो उसको अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता है। और जो पॉजिटिविटी का जो वर्टिकल है उसके अंदर डेफिनेटली स्वाध्याय, ध्यान, प्राणायाम, इन सब चीज़ों को के साथ साथ वेलनेस के जो कुछ अच्छे उपाय हैं और जो एक किड्स के लिए कुछ अच्छे एंटरटेनमेंट को लेके
कुछ एवीजीसीज के निर्माण की जो बात है उसके ऊपर चर्चा चल रही है, और उसके लिए जो एक रिक्वायर्ड वर्कफोर्स है डेफिनेटली वो भारत के पास है, पर अभी वो वर्कफोर्स ज्यादातर विदेशी कंपनियों के लिए ही अपना काम कर रहा है। डॉक्टर मणिकर ने इसके साथ साथ एक बात और अनाउंस करी, उन्होंने कहा था कोरोना महामारी जो है उसमें पूरी दुनिया के अंदर एक अनसेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ा दिया है सब लोगों के अंदर, तो ये पॉजिटिविटी का जो मार्केट है उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त उछाल आया है। अमेरिका उनके से बात में कुछ अंश निकल कर आए कि अमेरिका के अंदर ही मेडिटेशन का जो मार्केट है वो करीब 1.2 अरब डॉलर तक पहुंच। गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ अच्छे गेम्स को लेके अगर हम लोग आते हैं, कुछ अच्छे गेम्स हम लोग डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे देश के हित में होंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी के हित में होंगे, और कुछ नई चीज़ें हम लोग अपने माध्यम से अपने तरीके से देश और दुनिया के सामने रख पाएंगे। तो आशा है कि कंटेंट डेफिनेटली वीडियो का आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल बिजटेक न्यूज़ पे नए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो डेफिनेटली आपके राइट हैंड साइड में रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसे दबाएं और उसके नीचे एक बेल आइकन रहेगा उसमें ऑल के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।